मानसून की दस्तक के साथ ही किसानों के साथ साथ अब वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है। इसी के चलते उमरिया में वन विभाग की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जंगल को हरा भरा करने के लिए योजना बनाई गई। वनमंडल उमरिया के अंतर्गत कष्टागार डिपो नीलाम हॉल में वन मंडलाधिकारी मोहित शूद की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय हुए इस कार्यशाला प्रशिक्षण में पूरे वन अमले को रेंज क्षेत्रों में होने वाले पौधारोपण की जानकारी दी गई, ताकि अपने क्षेत्रों में बेहतर तरीके से पौधारोपण कर सके और उनकी देखभाल की जा सके। वन विकास निगम से ट्रेनर के रूप में आए रेंजर एस के खरे ने मौजूदा सभी रेंजों के वन कर्मचारियों को बेहतर पौधारोपण करने के तरीके बताए। काश्ताकार उमरिया में वन मंडलाधिकारी महोदय के और उनके समस्त स्टाफ, वन विकास निगम स्टाफ यहाँ मौके पर आए। उनके लिए सागौन रोपण का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें पुराने कर्मचारी भी थे और नए कर्मचारी भी थे। जिसमें पुराने कर्मचारियों द्वारा नए कर्मचारियों को मौके पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया, सूट का रोपण करवाया गया, करके दिखाया गया एवं उनसे करवाया गया। आज की कार्यशाला में जो भी हमारे यहाँ डिवीजन वृक्षारोपण होना है, उसकी क्षेत्र तैयारी से लेके और किस तरह पौधारोपण करना, किस तरह रूट सूट लगाना है और पौधारोपण के पहले हमको क्या क्या कार्य करना है, कौन कौन सी तैयारियां करना है, इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसी कार्यशाला के उसमें हम लोग सीखने के लिए और एक दूसरे से चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर पूरे डिवीज़न के हैं, जैसे चंदिया रेंज, पाली, नवरोजाबाद, घुनघुटी, सभी रेंजों के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू। साथ ही वन विकास निगम के अधिकारी भी आए थे, रेंजर साहब आए थे। उनके यहाँ सबसे ज़्यादा रूट सूट, सागौन रूट सूट लगाने का काम किया जाता है। उनके द्वारा ही हम लोगों को बताया गया है कि सागौन का रूट सूट क्रोवार कैसे लगाया जाता है।